थल के रेगजारों में नया शहर आबाद। आठवीं थल जीप रैली का क्वालिफाइंग राउंड इख्तिताम पसीर। जैन महमूद 3 किलोमीटर का फासला 1:40 में तय कर पहले नंबर पर। फैसल शादी खेल दूसरे, दफई चैंपियन मीर नादिर खान मकजी तीसरे नंबर पर रहे। साहबजादा सुल्तान मोहम्मद अली ने ट्रैक 1:53 में तय किया। स्टॉक कैटेगरी के मुकाबले कल होंगे। अल्ला गुल्ला, मौज मस्ती, तफरी, सकाफत और इलाकाई रंग। टिला, छांगा मांगा और लैया के दूसरे रोज भी मुख्तलिफ तकरीबात। खाने पीने के स्टॉल्स पर रश। कैटल शो का अहतमाम भी किया गया। मुकामी झूमर पार्टियों का ढोल और किताब पर रिवायती रक्स। नेजाबाजी के भी शानदार मुकाबले। आखिर में महफिल मुशायरे का भी अहतमाम किया गया। शायकीन की कसीर तादाद तफरी से खूब महसूस हुई। थल जीप रैली के हवाले से बेहतरीन इंतजाम हैं। जल्द इंटरनेशनल ड्राइवर जीप रैली में शिरकत करेंगे। कमिश्नर डीजे खान डॉक्टर नासिर महमूद कहते हैं जनूबी पंजाब के कल्चर को फरोग देने के लिए इकदाम जारी हैं। कोशिश करेंगे कि हम भावलपुर में चोलिस्तान डेजर्ट रैली को एक टफ कंपटीशन दें और इंशाल्लाह नेक्स्ट आने वाले टाइम में आप देखेंगे अगले सालों में ये तीन डिस्ट्रिक्ट मिलकर और डीजे खान डिवीजन चोलिस्तान के मुकाबले का इवेंट यहाँ पे करें। बहावलपुर के यूटिलिटी स्टोर्स ने शहरियों को मायूस कर दिया। रीजन में आटा खत्म हुए 10 रोज गुजर गए। सारिफिन पार, मुख्तलिफ यूटिलिटी स्टोर्स के बाहर कतारें। जो बाजार से आटा खरीद लेते हैं तब यूटिलिटी स्टोर्स पर आटा दस्तियाब होता है। शहरियों की दुहाई, इंतजामिया के मुताबिक आटा सप्लाई में 2 से 3 रोज लग सकते हैं। डेरा गाजी खान में आटा आवाम की पहुंच से दूर। मार्केट में 15 किलो आटे का थैला 2,050 रुपए में फरोख। खरीदारी के लिए आए शहरी आटे की कीमत सुनकर परेशान। कहते हैं महंगाई ने 2 वक्त की रोटी का हुसूल मुश्किल कर दिया। हुकूमत से नोटिस लेने की अपील करते हैं। इमदाद के मुंतजर मुस्तहकीन का इंतजार लंबा हो गया। जिले बैतुल माल कमेटी मुल्तान 2 साल से गैर फाल। चेयरमैन और दीगर मेंबरान भी मुंतखब ना किए जा सके। 200 से ज्यादा दरखास्तों पर काम ना हो सका। खाने वाले इंतजामिया की मुबैना ना अहली। पार्क में सहूलियात का फुकदान, मुनासिब देखभाल ना होने के सबब झाड़ियां उगाई। शहरियों के बैठने के लिए बेंच टूट फूट का शिकार। झूले भी खस्ता हाल। लाइट चोरी, कमिश्नर से फौरी नोटिस लेने की अपील। इंसदाद डेंगू मुहिम, डिप्टी कमिश्नर मुल्तान के जेर सदारत इजलास। डेंगू लार्वा की तलफी और इकदाम बारे जायजा इजलास। डेंगू के तदारों के लिए महकमा सेहत को रेड अलर्ट जारी। अहलकारों को फील्ड में निकलने का अल्टीमेटम दे दिया। गलत रिपोर्टिंग पर निजी अस्पतालों की लेबॉरेटरी सरबा मुहर करने का हुक्म। डीसी ने कहा इंसदाद डेंगू मुहिम में गफलत बरतने वाले जिले महकमों के खिलाफ एक्शन होगा। सुलेमान के इलाके राखी गाज में बॉर्डर मिलिट्री पुलिस की कार्रवाई, स्मगलिंग की कोशिश नाकाम बना दी। करोड़ों रुपए मालियत का नॉन कस्टम पेड सामान तहवील में ले लिया। कमांडेंट जाहिद इकबाल ने कहा कानूनी कार्रवाई के बाद सामान कस्टम हुकाम के हवाले किया जाएगा। तलबा के आगे बढ़ने पर खुशी है। गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान का बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी मुल्तान के 18वें कॉन्वोकेशन से खताब। कहा प्रोजेक्ट्स के हवाले से तफसीलात पर खुशी हुई। जामियात का मकसद तहकीक के मैदान में काम करना है। तलबा को तहकीक के बगैर कोई बात ना मानने की नसीहत। आज का दिन बहुत खुशी और इत्मीनान का दिन है कि हम स्टूडेंट्स को आगे बढ़ता देख रहे हैं। उन्होंने अपने जो तालीमी मरहल मुकम्मल किए, कामयाबियां समेटी अपनी मेहनत के बल बोते पर और आगे से आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। यकीनन ये कॉन्वोकेशन कई सालों के इल्तवा के बाद अब तेज़ी से होना शुरू हुए और उसमें आई अप्रिशिएट द यूनिवर्सिटी, वी मस्ट
clear the backlog as quickly as possible. एयर यूनिवर्सिटी मुल्तान कैंपस में प्राइम मिनिस्टर यूथ लैपटॉप तकसीम करने की तकरीब 40,000 तलबा तालबात में लैपटॉप तकसीम किए गए। शेखजद अस्पताल रहीम यार खान की 30 साल बाद सुनी गई आउटडोर समेत 13 ब्लॉक्स की मरम्मत, अजीन और आयश जारी। प्रिंसिपल शेखजद मेडिकल कॉलेज कहते हैं नर्सिंग हॉस्टल की मरम्मत का काम भी मुकम्मल कर लिया जा रहा है, मरीजों को बेहतर माहौल मयसर होगा। तिबी सहूलियात की फराहमी के लिए महकमा सेहत मुतहर एक दही मरकज सेहत छोटी सीरी को एम्बुलेंस फराहम कर दी गई। CEO डॉक्टर इदरीस ने चाबियां SM डॉक्टर मुस्तफा के हवाले की। सरकारी महकमों में ट्रेंडिंग के लिए ई प्रिक्योरमेंट सिस्टम का नफाज, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी को ई प्रिक्योरमेंट पर ब्रीफिंग। महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर जनूबी पंजाब को सिस्टम अपनाने का टास्क दे दिया। साकिब जफर ने कहा तमाम महकमों में ई प्रिक्योरमेंट सिस्टम का नफाज चाहते हैं। मुल्तान डिवीजन के 2 रेलवे स्टेशन पर इलेक्ट्रॉनिक टिकट मशीन फाल है। डिविजनल कमिश्नर कमर्शियल ऑफिसर अदनान मरवत कहते हैं खानेवाल और बहावलपुर स्टेशन को भी मशीनों से मुंसलिक किया गया है, ग्रीन लाइन के मुसाफिर मुस्तफीद हो सकेंगे। पुलिस और आवाम के दरमियान फासले कम करने के लिए इकदाम। मुल्तान में 15 रोजा फ्रेंड्स ऑफ पुलिस यूथ इंटर्नशिप कोर्स खत्म। SSP ऑपरेशन मोहम्मद इमरान ने तलबा को सर्टिफिकेट दिए। शाहपुर में अब गांव चमकेंगे प्रोग्राम के सिलसिले में इजलास, असिस्टेंट कमिश्नर और असिस्टेंट डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट ने सदारत की। नंबरदारों और पटवारियों को सफाई मुहिम कामयाब बनाने के लिए हिदायत भी जारी की। फलस्तीनियों पर इसराइल की वहशियाना बमबारी की पुरजोर मजम्मत, बार एसोसिएशन करोड़ पक्का की एहतजाज रैली, वकला सिविल सोसाइटी की कसीर तादाद में शिरकत। किबलावल पर इसराइल के गासबाना कब्जे की मजम्मत, नहत्ते फलस्तीनियों पर मसालम बंद करने का मतालबा।